तो अभी हम लोग है काम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल काउंटलेस रोड व्हेन टू फ्रेंड्स बिकम पार्टनर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। हम दोनों भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो व्लॉग हमारा बाकी सब व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो व्लॉग वो हम लोग ने बहुत दिनों पहले शूट किए थे। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट व्लॉग है। जब हमने ये चैनल स्टार्ट भी नहीं किए थे तब हमने ये व्लॉग किए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमने ये अपलोड नहीं किया। वो आप लोग को पता ही चल जाएगा क्यों हमने अपलोड नहीं किया। इसके लिए आप लोग को बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा व्लॉग देखो। तो दोस्तों, हम लोग अभी है गोशानी माड़ी राजपाट में। तो अब है, अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं, फिर वहाँ पे जाके यहाँ का हिस्ट्री और यहाँ का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, आप लोग तो देख ही चुके हो कि हम लोग कहाँ पे आए थे। यह है गोशानी माड़ी राजपाट, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है और एक टूरिस्ट स्पॉट भी। आप लोग को पता चल गया है कि यह यहाँ पे एक मिट्टी का टीला है जहाँ के नीचे दब गया है हमारा कांतापुरी फोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, एक्सप्लोर किए और कुछ तस्वीरें भी खींचे, आप लोग देखे हो। एक्चुअली हम लोग जब यहाँ पे आए थे, मतलब जब हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हम लोग तो मेनली ब्लॉक करने के लिए ही गए थे। लेकिन वहाँ पे पहुँच के हम लोग को पता चला वहाँ के गार्ड से कि उस टाइम पे ब्लॉक करना अलाउ नहीं था। तो उसने कहा कि कुछ अगर तस्वीरें आप लोग खींचना चाहते हो तो वो ले सकते हो। तो हम लोग कुछ तस्वीरें खींचा, तो आप लोग उस तस्वीर में देखे होंगे कि वहाँ पे जो कुआ टाइप का गड्ढा था, लेकिन वो कुआ है कि नहीं वो लेके बहुत कंफ्यूजन है लोगों में। किसी किसी लोग बोलते हैं कि वो फोर्ट का ऊपर का हिस्सा है, और किसी किसी लोग बोलते हैं कि वो कुआ है। वो तो हम लोगों को पता नहीं क्या है, लेकिन वो देख के ही पता चलता है कि वो फोर्ट या फिर उस जगह बहुत सुंदर था। जब वो ठीक ठाक था तभी बहुत सुंदर था। एक्चुअली ये प्लेस कोचबिहार से 36 किलोमीटर दूर है, और दिनहाटा जो सब डिविजन है कोचबिहार का वहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का जो राजा हुआ करते थे वो 15 सेंचुरी के थे, तब ये किला बनाया था। और ये जो कांतापुर जो राज्य था, जो स्टेट था, वहाँ का इस राजधानी था। तो दोस्तों, आप लोग तो देख ही चुके हो ये वीडियो, तो आप लोगों को शायद अभी पता चल ही गए कि हम लोग ये वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया पहले। ये फर्स्ट व्लॉग है, फिर भी हम लोगों ने क्यों फर्स्ट में ये नहीं लिया, क्योंकि अभी भी हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे व्लॉग करना होता है, कैसे बोलना होता है। हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन जिस टाइम ये वीडियो हम लोग लिए थे तभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं थे ये वीडियो को लेके, तो हम लोगों ने ये शेयर नहीं किया। लेकिन अभी बहुत दिनों से ज़्यादा कुछ वीडियो तो आ नहीं रहा है हम लोगों का चैनल पे, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि क्यों ना यही दे देते हैं। घूमना भी मना है, घूम नहीं सकते अभी, क्या किसी जगह पे घूम नहीं सकते थे और कुछ प्रॉब्लम्स था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यही चलो देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हम लोगों का ऑडियंस बहुत ही प्यारा है और वो लोग हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। वो लोग समझेंगे कि हम लोगों ने ये क्यों नहीं दिया, या फिर ये जो वीडियो जा रहा है ये वीडियो कैसे हुआ, ये हम लोगों का ऑडियंस समझ जाएगा।
तो इसके बाद हम लोग एक और जगह पे गए थे, वो है कामतेश्वरी मंदिर, जहाँ पे यहाँ का जो राजा है वो कामतेश्वरी जो देवी है उसका पूजा किया करता था। तो वो मंदिर भी बहुत ही जागृत है, जैसे कह सकते हो आप। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि वैसे क्या है वहाँ पे, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है। तो चलो अभी हम लोग है कामतेश्वरी टेम्पल पे। वो गोसानी मारी राजपाट के टाइम का ये टेम्पल है, करीबन 1000 साल पुराना तो होगा ही। और ये जो बिल्डिंग है ये 16th century में हुआ है ये बिल्डिंग। यहाँ का किंग प्राण नारायण ने ये स्थापित किया था। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो मंदिर है, पूरा एरिया, ये जो दरवाज़ा है, सब कुछ पत्थर का बना हुआ था, मतलब पत्थर का बना हुआ ही है। इसके ऊपर अभी इनोग्रेशन करके यहाँ पे प्लास्टर बैठाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि टेक्सचर, और यहाँ पे जो एक छोटे छोटे शिवलिंग है चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ है। अंदर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर की तरफ हम लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए उसका व्यू। जो जगह देख रहे हो आप लोग वो है राधा कृष्ण का झूला। यहाँ पे जो दोल पूर्णिमा जब होता है वहाँ पे, यहाँ पे वो झूला झूलाया जाता है और यहाँ पे पूजा किया जाता है राधा कृष्ण का। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, आज का राइड। हम लोग वहाँ पे मतलब मायूस है बहुत कि आप लोग को राजपाट इतना अच्छे तरीके से नहीं दिखा सके और वहाँ पे व्लॉग नहीं कर सके उतना अच्छा। तो जो भी है यही तो यही करके चलना पड़ेगा, रूल है तो रूल है, और क्या करें। आशा करते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारा एक्सप्लोर करें और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया कि वहाँ पे जाके मतलब कैसे हम लोग बात कर रहे थे, और मुझे तो या मतलब वार्ड भी नहीं आ रहा था। तो इससे मैं वो क्या कहते हैं उसको खींच लिया कि मैं ही बोलूंगा, चलो छोड़ो तुम तो भूल ही गए थे तो मैं बोलता हूँ। तो ऐसे मैंने बोल दिया कि क्या है क्या नहीं है, वो ऐसे पूरा एकदम स्तंभित हो गया था, स्पीचलेस हो गई थी। ऐसा नहीं कि वो वहाँ का व्यू या फिर कुछ देख के इतना मतलब वैसा कुछ नहीं था, लेकिन तब कुछ भी वर्ड नहीं आ रहा था, कैसे बात करूं वो ढंग समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस समय तो प्रीतम ने मुझे बचा लिया। मतलब बचाना तो पड़ेगा ही क्योंकि पार्टनर है ना, ये तो करना ही पड़ता है। When two friends become partner, always. तो दोस्तों अगर हम लोगों का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि पिछले वाला सब ब्लॉग और इस ब्लॉग में मतलब जो ब्लॉग जहाँ जिस जगह का ब्लॉग आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, गोसानी मारी का ब्लॉग,
और लास्ट जो सब ब्लॉग है हमारे चैनल पे, उस ब्लॉग पे कितना सारा डिफरेंसेस अभी है और क्या हम लोगों ने ये ब्लॉग के बात में कि नहीं, और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताना, और क्या हम लोग कुछ इम्प्रूव किए हैं अभी, तो ये जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वहाँ पे बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। टिल देन अलोहा, आवाज़ देखा।